जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हाथ में बनी दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में। कैसा रहेगा आपका जीवन? क्या छुपा है आपकी मस्तिष्क रेखा में? नौकरी या बिजनेस, किसमें मिलेगी सफलता? क्या कहती हैं आपकी रेखाएं? आज हस्त रेखा दर्पण में हम बात करेंगे हाथ में बनी दो मुखी मस्तिष्क रेखा के बारे में। ये हाथ में कहाँ है और इसे देखने पर क्या पता चलता है? मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पुरुषों में राइट हैंड यानी दायां हाथ और महिलाओं में बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड में हस्त रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ मुख्य रेखाओं को बताने से। सबसे पहले ये है हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा, फिर यहाँ इसके नीचे है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जहाँ खत्म होती है उससे मिलते हुए शुरू होती है जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। मस्तिष्क रेखा किसी किसी में दो मुखी और ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यहाँ हथेली के मध्य से मस्तिष्क रेखा से विभाजित होते हुए एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो तो इस स्थिति को दो मुखी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। यह देखना है कि ये रेखा दोष मुक्त होनी चाहिए, कहीं इसमें कोई कटाव ना हो, ये गहरी हो, कहीं से टूटी हुई ना हो। ये जितनी साफ, स्पष्ट व गहरी होगी उतना ही आपके जीवन में सफलता के योग बनेंगे, उतनी ही जीवन में सफल होने की संभावना अधिक होगी। आम तौर पर देखा गया है कि सभी के हाथों में मस्तिष्क रेखा सिंगल ही होती है, पर कुछ लोगों में ये दो मुखी होती है जो कई मायनों में सिंगल मस्तिष्क रेखा से अलग है। मस्तिष्क रेखा को करियर से जोड़कर देखा गया है और कैसे ये मस्तिष्क रेखा आपके जीवन में बदलाव लाती है समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी होती है उन्हें जीवन में मनचाहा काम करने का अवसर मिलता है। मित्रों, ऐसे कई लोग हैं जो जॉब नौकरी करते हैं, सुबह जॉब पर जाते हैं पर शाम को उनके दिमाग में एक नया बिजनेस प्लान होता है और वो कुछ अपना करना चाहते हैं, उनमें कुछ अपना पाने की, कुछ अपना करने की चाह होती है। ऐसे लोगों का मन नौकरी में नहीं लगता। और यदि आप भी इन्हीं लोगों में से हैं और आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप कोशिश करें तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप भी अपना मनचाहा काम सेट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, अपना एक अलग मुकाम बना सकते हैं। दो मुखी मस्तिष्क रेखा वाले लोग कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक होते हैं और अपने टैलेंट के दम पर जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि हो उससे जुड़े कार्य में सफल हो सकते हैं। यहाँ दो मुखी रेखा के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसे लोगों का मन एक कार्य में नहीं टिकता, ये हमेशा कुछ नए की तलाश में रहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ये नए लक्ष्य बनाते हैं। अगर ये किसी कार्य में असफल हो जाएं तो इसके लिए ये दूसरों को दोषी मानते हैं, दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। अब बात करते हैं कि उम्र के किस पड़ाव में इनकी सफलता के योग बनते हैं। ऐसे लोगों में सफलता के योग 23 से 32 वर्ष की आयु में बनते हैं। यदि इन वर्षों में जातक पूरी मेहनत लगन से कार्य करे तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मित्रों, अगर आप पहले से ही जीवन व्यापन के लिए कोई नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं और साथ में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, वो करना चाहते हैं तो इस स्थिति में आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। संभवतः आपको शुरुआत में किसी की मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने काम के साथ साथ समय निकालकर ही दूसरे काम को स्थापित करना होगा, तभी आप अपने करियर में चेंज ला पाएंगे। मस्तिष्क में दो मुखी रेखा आपकी सफलता की संभावना की ओर इशारा करती है। यहाँ आप अपनी बुद्धि का प्रयोग संयम व परिश्रम के साथ मिलकर करेंगे तो सफलता के योग और प्रबल होते हैं। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के साथ मिलकर बनने वाले क्रॉस चिन्ह की। अगर ये रेखा विभाजन के बाद नीचे ना जाकर ऊपर की ओर हृदय को क्रॉस कर बुद्ध पर्वत की ओर जाए तो ऐसी स्थिति में इनके बिजनेस में सफलता के योग बनते हैं। ये जातक बातों के धनी होते हैं, बातों से कैसे काम निकलवाना है इन्हें अच्छे से मालूम है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा विभाजित होते हुए यदि एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर और दूसरी बुध पर्वत की ओर जाए तो ये शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत गुणी,
साहसी, बुद्धिमान, सहनशील और अच्छा व्यक्ति माना जाता है। मित्रों, ये थी दो मुखी मस्तिष्क रेखा से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, आपके जीवन में अच्छी बुरी दोनों ही परिस्थितियों की ओर इशारा करती हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा और समय रहते आप इससे जुड़े उपाय कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थी कुछ बातें आपकी दो मुखी मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई। आगे आने वाली नई वीडियोस में और अध्ययन करेंगे हस्तरेखा से जुड़े नए तथ्यों की ओर। मित्रों, हस्तरेखा से जुड़ी और जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।